Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAG TV. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी तलाक के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,20,213 हो गई। थैंक्स गिविंग की तकरीबात कोरोना वायरस में मजीद इजाफे का सबब बन सकती है। ऑन्टेरियो की वजीर सेहत का कहना है कि शहरी खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। लिबरल्स ने टोरंटो की दो राइडिंग्स पर ज़मीनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कंजर्वेटिव रहनुमा कहते हैं ट्रूडो अवाम में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। दोनों राइडिंग्स में मुकाबला बहुत सख्त था, जो तवील अरसे से लिबरल्स का घर समझी जाती थी। हमारे इलाकों में जिम या रेस्टोरेंट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हॉल्टन रीजन के 4 मेयर्स ने ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड से उनके इलाकों में पाबंदियों में नरमी का मुतालबा किया है। कोरोना के खिलाफ मिलान से इस्लामाबाद तक मिलकर काम करना होगा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कोरोना कोई सियासी फुटबॉल नहीं, हमें वबा पर सियासत रोकनी होगी। आर्मेनिया की एक बार फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, आज़री फौजियों और तरतर नामी इलाके की रिहायशी आबादियों पर फायरिंग की है। एक रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा था कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सीज फायर पर भी इत्तफाक कर लिया है। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,38,17,289 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,65,110 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे मुतासर हुआ है, जहां कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,922 हो गई है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 31,224 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,099 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,20,213 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,973 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ कोरोना केसेस की तादाद 1,00,000 से तजावुज कर गई है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,09,22 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के होने वाली हलाकतों की तादाद 6,153 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 71,224 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,099 है। अल्बर्टा में 25,733 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 307 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूबे की वजीर सेहत ने इजाफे पर तश्वीश का इजहार किया है। ब्रिटिश कोलंबिया में 13,371 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 259 है।
ऑन्टेरियो की वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि हम तमाम ऑन्टेरियंस से अपील करते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपने मुहाफिजों की हौसला शिकनी ना करें। उनका कहना था कि ऑटोवा जैसे इलाकों में नए केसेस में कमी आ रही है, लेकिन ये इस रफ्तार से नहीं हो रहा जिसे होना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की वजीर सेहत का कहना है कि थैंक्स गिविंग की तकरीबात कोरोना वायरस में मजीद इजाफे का सबब बन सकती हैं। वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि हम तमाम ऑन्टेरियंस से अपील करते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपने मुहाफिजों की हौसला शिकनी ना करें। खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए महकमे सेहत की हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। उनका कहना था कि ऑटोवा जैसे इलाके में नए केसेस में कमी आ रही है, लेकिन ये उस रफ्तार से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। वाज़ह है कि ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इतवार के रोज सूबे में 1000 नए रिकॉर्ड कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 851 नए केसेस सामने आए हैं। ज़मीनी इंतखाबात में लिबरल्स ने टोरंटो सेंटर से 42% वोट हासिल किए, जहां साबिक वज़ीर ख़ज़ाना बिल मॉर्नियो के WE चैरिटी समेत मुतादी तनाज़ात की जद में आने के सबब इस्तीफे के बाद से पार्टी को 15 पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन्स और टोरीज की जानिब से सख्त चैलेंजेस के बावजूद लिबरल्स ने दो ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। दो राइडिंग्स में मुकाबला बहुत सख्त था, जो तवील अरसे से लिबरल्स का गढ़ समझी जाती हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा एरिंग ओटूल का अपने ट्वीट में कहना था कि लिबरल्स की इन दो महफूज सीटों पर सख्त मुकाबले से जाहिर होता है कि जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन आवाम का एतमाद खो रहे हैं। आम इंतखाबात के दौरान लिबरल्स ने टोरंटो सेंटर से 57 जबकि यॉर्क सेंटर से 50% वोट हासिल किए थे। ज़मीनी इंतखाबात में लिबरल्स ने टोरंटो सेंटर से 42% वोट हासिल किए, जहां साबिक वजीर खजाना बिल मॉर्नियो के WE चैरिटी समेत मुतादिद तनाजात की जद में आने के सबब इस्तीफे के बाद से पार्टी को 15 पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब ब्रिटिश कोलम्बिया में इलेक्शन के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उनके मुताबिक NDP ने अक्सरियती नशस्तें जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है। माहिरीन के मुताबिक जॉन हॉर्गन ने कोरोना वबा के दौरान ही इलेक्शन कराने का फैसला करके एक जुआ खेला था, जिसमें वो कामयाब रहे। इलेक्शन में डाले जाने वाले 80% वोटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जबकि पोस्टल बैलेट से डाले गए वोटों की गिनती जारी है। हॉल्टन रीजन के 4 मेयर्स का कहना है कि जिन कम्युनिटीज की वो नुमाइंदगी करते हैं, उनमें कोई कोरोना वायरस पाबंदी की जरूरत नहीं है। मेयर नहीं चाहते कि ऑन्टेरियो हुकूमत जिम बंद करे या रेस्टोरेंट के खाने पर पाबंदी लगाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉल्टन रीजन के 4 मेयर्स ने ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड से अपील की है कि उनके इलाकों में पाबंदियों में नरमी की जाए। हॉल्टन रीजन के 4 मेयर्स का कहना है कि जिन कम्युनिटीज की वो नुमाइंदगी करते हैं, उनमें कोई कोरोना वायरस पाबंदी की जरूरत नहीं है। मेयर नहीं चाहते कि ऑन्टेरियो हुकूमत जिम बंद करे या रेस्टोरेंट के खाने पर पाबंदी लगाए। हफ्ते के रोज मेयर्स ने ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड को खत लिखा, जिसमें उनका कहना था कि हमने वबाई मर्ज के आगाज से ही न सिर्फ एहतियात करने के लिए लायहा अमल बनाए, बल्कि हर चीज की हिमायत की है। आपको याद होगा कि हम दूसरे मुकामात के मुकाबले में जल्द स्टेज 2 लॉकडाउन से बाहर हो गए हैं, क्योंकि हमने महकमे सेहत की हिदायत पर संजीदगी से अमल किया था। बर्लिंगटन और ओकविल के मेयर का कहना है कि कोरोना वायरस पाबंदियों की कोई भी सूबाई सख्ती जोग्राफिया पर नहीं, सबूत पर मबनी होनी चाहिए और यकीनी तौर पर इस हकीकत पर भी नहीं कि इस खत्ते को बड़े हिस्से के तौर पर देखा जाए। मेयर्स का कहना था कि केसेस की गिनती पर मबनी अहदाफ पर पाबंदियाँ ज्यादा मायने खेज हैं। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना वबा में हमारी थकान हकीकी है। ये मुश्किल दौर है, मगर हम हिम्मत नहीं हार सकते। कोरोना पर काबू पाने के दौरान हिम्मत हारना खतरनाक होगा और हमें हार माननी भी नहीं चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वबा के खिलाफ जंग में हम हिम्मत नहीं हार सकते और हार नहीं मान सकते। मीडिया ब्रीफिंग में सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना वबा में हमारी थकान हकीकी है। ये मुश्किल दौर है, मगर हम हिम्मत नहीं हार सकते। कोरोना पर काबू पाने के दौरान हिम्मत हारना खतरनाक होगा और हमें हार माननी भी नहीं चाहिए। उन्होंने कोरोना पर सियासत को बंद करने पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना कोई सियासी फुटबॉल नहीं, हमें वबा पर सियासत रोकनी होगी। वबा पर गैर सियासी होना पड़ेगा और वबा को किसी भी किस्म की सियासत से दूर रखना होगा। सरबराह आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि कोई नाम नेहाद लॉकडाउन नहीं चाहता, हमें लॉकडाउन से बचने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मिलान से इस्लामाबाद
तक मिलकर काम करें तो वायरस से निपटा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानियां देकर समझौता करके तिजारती तालुकात से मईशत बहाल कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, मईशत और जिंदगी दोबारा बहाल कर सकते हैं। आर्मेनी फौज ने एक बार फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़री फौजियों और तरतर नामी इलाके की रिहायशी आबादियों पर फायरिंग की है। आज़री हुकाम के मुताबिक आज़री फौज अपने तमाम मुहाजों पर जंग बंदी की मुकम्मल पाबंदी कर रही है। नायब आज़री सदर हिकमत हाजी एफ ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मेनिया ने एक बार फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़रबाईजान के फौजियों और मुकामी आबादी पर फायरिंग कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनी फौज ने एक बार फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़री फौजियों और तरतर नामी इलाके की रिहायशी आबादियों पर फायरिंग की है। आज़री उमूर दिफा के मुताबिक आर्मेनी फौज ने आज सुबह 8 बजे के करीब इंसानी बुनियादों पर नाफिज जंग बंदी की दोबारा से खिलाफ वर्जी करते हुए लाचीन कस्बे के देहात सुफियान में मौजूद आज़री फौजियों पर फायरिंग कर दी। बताया गया है कि आज़री फौज अपने तमाम महाजों पर जंग बंदी की मुकम्मल पाबंदी कर रही है। नायब आज़री सदर हिकमत हाजी एफ ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। ख्याल रहे कि एक रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा था कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सीज फायर पर फिर इत्तेफाक कर लिया है। ट्रंप का कहना था कि दोनों ममालिक के सरबराहान ने जंग बंदी मुहिदे पर अमल पैरा होने पर इत्तेफाक किया है। इस मुहिदे से बहुत सी जानें बच जाएंगी। इससे कबल रूसी कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान 2 मरतबा जंग बंदी हो चुकी है, ताहम दोनों दफा जंग बंदी बरकरार ना रह सकी थी। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,04,51,818 मरीज अस्पतालों, करंतीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 79,103 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 3,22,361 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,38,17,289 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,65,110 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,04,51,818 मरीज अस्पतालों, करंतीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 79,103 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 3,22,361 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,31,045 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 89,62,783 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,19,535 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 79,46,429 हो गयी। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहाँ ये वायरस 1,57,451 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 54,11,550 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 26,589 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 15,47,774 हो चुकी है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 23वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,313 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,45,232 तक जा पहुँची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।